Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो, धन्यवाद सभी क्षेत्रवासी गांववासियों का वीर और मैं पार्टी अध्यक्ष साहब के मीटिंग राजस्थान में चल रही है। बोर्डर का गांव लगता है तो आज कोटाला गांव में आने का सौभाग्य हुआ। उससे पहले मैं दो तीन बार यहां पे आया गांव में टिकट साहब के साथ आए, उसके बाद में भी अभी गांव में आए। मुद्दा यह है कि बड़ी सरकार से लड़ाई होगी और सरकार है व्यापारियों के कब्जे में। अगर सरकार किसी पार्टी की होती तो हम तक बात हो जाती है। पार्टी के लोग तो कैद में बंद है, जो बात कर रहे थे विचारधारा के लोग थे तो बंधन में है। व्यापारी चला रहे सरकार को, बड़ी बड़ी कंपनियां चला रही, तो लड़ाई उनसे है। और जब उन्होंने सारा सिस्टम बेचने पर लगे हुए हैं तो उन्होंने सोचा कि भाई इन किसानों को भी बेचो। इन्होंने किसानों ने उनकी लगाम थाम ली और बड़ी जिम्मेदारी होगी सारा सर्विस सेक्टर, वो बैंक वाले हो, वे रेलवे वाले हो, वे ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री वाले हो, तो सब कह रहे जी पीछे मत हटना। उनके बीजेपी के लोग भी कह रहे पीछे नहीं हटना, सारी पार्टी कह रहे जी पीछे मत हटना। तो हालात ये देश में हो गए कि विभाग के विभाग बिकड़े लग रहे, किसानों की जमीन नहीं बच रही। तो जमीन ने ये टिब्बे थे ये इकसार कर करके बुजुर्ग वार हो गए, ये दिए राज इसमें खेती होने लगी है, तो ये जमीन के सारे जाएगी। किसान क्रेडिट कार्ड आ रहा, धीरे धीरे कर्जा बढ़ेगा लेकिन फसलों का भाव नहीं बढ़ेगा, ये होगा आने वाले टाइम पे। और एक दिन वो आएगा, ये बैंक भी प्राइवेट होंगे सारे, और जब बैंक अडानी के पास में चले जाएंगे और पॉलिसी आएगी कि या तो कर्जा दे दो या जमीन दे दो, तो जमीन ले जाएगी। बहुत बड़ी पॉलिसी एक उनकी चल रही है। पहले लोग विचारक थे, पार्टियों में भी लोग रहते थे तो गांव उससे जुड़े रहते थे। जो साहब के गांव में यहाँ पे आए देवीलाल जी के, जब उत्तर प्रदेश में वहां की सरकार से ऐसे लोग आंदोलन छिड़ गया, कांग्रेस की सरकार थी वहां पे, बिजली के बिल देने मना कर दिया तो उन्होंने ट्रांसफार्मर देने मना कर दिए, तो बड़ी दिक्कत आई। किसान कहेंगे ट्रांसफार्मर दे दो, सरकार कहेंगे बिल दे दो। तो बड़े टिकैत साहब यहां पाए, मुख्यमंत्री थे चोर साहब देवीलाल जी, तो उन्हें आने का कहा कि ऐसे ऐसे सरकार से मामला छिड़ गया। उन्होंने कहा भी बताओ क्या मदद करें हम सरकार से, यहाँ की सरकार से क्या मदद करें, कि मदद कुछ नहीं, आप हमें ट्रांसफार्मर दे दो और हम अपना वहां ठीक करवाने की वर्कशॉप खोल लिया हमने। तो यहां से 32 ट्रांसफार्मर चोर साहब ने दिए, 32 से हमारा काम चलेगा। वहां पे पुराने हाल लगे, नए वंशज हाल लगे बंद बंद के, तो सरकार से 2.5 साल मुकाबला करा उन 32 ट्रांसफार्मर का। ये सरकार को झुकना पड़ा, बिजली के बिल माफ किए। तो उस तरह के लोग अब पॉलिटिकल पार्टियों में नहीं रहे,